अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफात जुलेखास किचन से। तो चलिए बनाते हैं बढ़िया सा डेजर्ट जिसका नाम है चॉकलेट पुडिंग। क्विक, इजी, झटपट, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेजर्ट बनाते हैं। अच्छा चलिए, एक कढ़ाई के अंदर 1.5 कप दूध डाला है मैंने, नॉर्मल दूध है ये, और 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर डाल दीजिए, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर। ये तीनों चीज़ डालकर बहुत ही अच्छे से सबसे पहले तो मिक्स कर लीजिए, अच्छे से घुल जानी चाहिए। जब अच्छे से घुल जाए तो चूल्हे को चालू कर दीजिए और स्लो आँच करके इसे तकरीबन बार बार चलाते हुए 1 मिनट तक पका लीजिए। जब आप 1 मिनट के लिए पकाएंगे ना बार बार चलाते हुए, तो आप देखेंगे तो कुछ भी गुठलियाँ या ये नहीं रहेगी। देखिए इतना क्लियर टेक्सचर हो जाएगा पकते पकते। अब जब ऐसा हो जाए तो यहाँ पर ना 1 मिनट के बाद मैं डाल देती हूँ 1/4 कप जितनी शक्कर। अब शक्कर यहाँ हम हमेशा थोड़ी कम ही डालती हूँ मैं, आप चाहिए तो थोड़ी ज़्यादा बढ़ाकर डाल सकते हैं। तो 1/4 कप शक्कर डालने के बाद उसे बार बार चलाते हुए उससे पिघल जाने दीजिए। तब तक बार बार चलाते रहिए, जब शक्कर हमारी मेल्ट हो जाए। यहाँ पर मैं 1/2 कप मलाई डाल देती हूँ, बाज़ार की है मलाई, और इस मिक्स कर लीजिए सबसे पहले तो मलाई डालने के बाद। और इसके साथ साथ 1/2 कप आप चाहें तो चोको चिप्स आते हैं ना, चॉकलेट चिप्स, वो डाल दीजिए। अच्छा, चॉकलेट चिप्स मेरे पास नहीं है तो मैं यहाँ पर ना वो जो बाज आती है ना, जो चॉकलेट कंपाउंड, डार्क चॉकलेट कंपाउंड आती है जिसके 4 पीसेस होते हैं बड़े बड़े से, तो एक पीस को मैंने, समझिए एक पीस 100 ग्राम का होता है, तो मैंने एक पीस का 3/4 पोर्शन लिया, मतलब 75 ग्राम्स, तो वो मैंने रफली चॉप करके इसमें डाल दिया है। और इसे बार बार चलाते रहिए कि हमारी ये जो चॉकलेट है ये पिघल जाए और मलाई भी बहुत अच्छे से घुल जाए। अच्छा, बीच में ना मैं यहाँ पर मीडियम आँच कर देती हूँ, सो दैट हल्का सा जब ये पूरी तरीके से ब्लेंड हो जाएगी ना, तो यहाँ थोड़ा सा हमारी जो ये है पुडिंग थोड़ी सी गाढ़ी होने लगे। बस आधे मिनट के लिए ही कर रही हूँ, लेकिन बार बार चलाते रहिएगा, इसे छोड़िएगा मत चलाना कि लगे ना और कहीं गड्ढे ना पड़ जाए। बस मीडियम आँच पर तब तक पकाना है जब तक आपको ये ना लगे कि गाढ़ी हो गई है। जब गाढ़ी हो जाए उसके बाद आप चूल्हा स्लो कर दीजिएगा, लेकिन बार बार कंटिन्यूस चलाते रहिएगा। ये देखिए गाढ़ी हो गई ना, अब आपको दिख रही है गाढ़ी हो गई। चूल्हा मैंने कर दिया स्लो आँच। 1/4 छोटा चाय का चम्मच नमक डाल दीजिए, 1 छोटा चाय का चम्मच वैनिला एसेंस भी डाल दीजिए, और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। 8-10 सेकेंड पकने दीजिए स्लो आंच पर मिक्स करते हुए। जब 8-10 सेकेंड हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद, और इसे उसी समय किसी भी कांच के बर्तन या जिसमें भी आप इसे सेट करना चाहते हैं पुडिंग को, उसमें डाल दीजिए, ट्रांसफ़र कर दीजिए क्विकली। स्पैचुला की मदद से ऊपर का जो बेस है हमारी पुडिंग का, ऐसा लेवल कर दीजिए तो क्रीमी टेक्सचर हो जाएगा। अब आप चाहें तो एज इट इज इसे ढककर फ्रिज में रख दीजिए, लेकिन मैं पहले डेकोरेट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने वॉलनट्स लिए हैं यानी कि अखरोट, उसे कूट रही हूँ और इसके ऊपर सजा देती हूँ यानी कि डेकोरेट कर लेती हूँ। आप चाहें तो पहले फ्रिज में रख लें, 2-3 घंटे के बाद जब आप निकालें तब डेकोरेट कर सकते हैं, बट मैं डेकोरेट करने के बाद फ्रिज में डाल रही हूँ। तो ये चारों ओर मैं लगा देती हूँ। थोड़े से मेरे पास है ना व्हाइट चॉकलेट है, उसे मैं थोड़ा और खूबसूरत बनाने के लिए व्हाइट चॉकलेट थोड़ा वो बीच में खुरच देती हूँ। थोड़ी सी चॉकलेट मेरे पास डार्क चॉकलेट कंपाउंड थी, ये इस तरीके से बीच में डाल देती हूँ और इसे क्लिंग फिल्म जो आती है इससे रैप करके 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ, या तब तक रखिए जब तक एकदम अच्छे से ठंडी नहीं हो जाती। चलिए 3-4 घंटे हो चुके हैं और बढ़िया सी हमारी बन गई है चॉकलेट पुडिंग। आप चाहें तो रमज़ान में भी सर्व कर सकते हैं, मज़ा आएगा आपको खाने के लिए ठंडा ठंडा, और बच्चों को तो बहुत ही मज़ा आएगा। बट हाँ, आप आधे दिन भी खा सकते हो, ऐसा नहीं सिर्फ रमज़ान में ही खाने के लिए। अच्छा, यहाँ पर ना मैंने चॉकलेट चिप्स नहीं डाली है क्योंकि मेरे पास चॉकलेट कंपाउंड थी और हम थोड़ा सा शक्कर कम खाते हैं। आपको थोड़ा सा मिठास ज़्यादा चाहिए तो आप चॉकलेट कंपाउंड के बजाय आप चॉकलेट चिप्स डालिएगा और शक्कर भी आप ही के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। ये देखिए कितनी बढ़िया सी मज़ेदार सी पुडिंग लग रही है और इतनी डिलीशियस है ना, माशाल्लाह। इसी तरीके से मेरी दूसरी पुडिंग्स की रेसिपी भी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन के अंदर है।
तो है ना मजेदार रेसिपी आज की। अगर आप बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए ये वाली वीडियो को, और उससे ज्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाले वीडियो के लिंक्स जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।